Hey everyone, welcome back to my channel Unity Terror's Expert Truth Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है जो शायद आपको नहीं पता, जिसके बारे में शायद आप बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं. सो ऑफकोर्स वो चीज़, वो घटनाएं क्या हो सकती है. सो इट विल बी डेफिनेटली अ टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन फॉर जनरल प्रेडिक्शन ऑफकोर्स. तो देखो, ये अनएक्सपेक्टेड जो मुहूर्त है, हो सकता है कि आपकी जो काम नहीं बन पा रहा था वो काम आपके सामने बनते हुए आपको दिखे. ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ. ठीक है, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल पार्ट से हो सकते हैं, आपके बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं, एंड इवन अगर आप एक स्टूडेंट है उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज. यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है जिनके बारे में उनको शायद नहीं पता. सो वी डू हैव द सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है हमारे पास है द विल ऑफ फॉर्चून, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव द सेवन ऑफ कप्स. We do have the Seven of Wands. We do have the Ace of Wands. We do have the Six of Pentacles. 6677 can be very important. Okay. The Star 17. Eight of Cups. So 6677 88. 8-17 can be very important. Bottom of the deck हमारे पास है 5 of Wands. Alright. So यहाँ पे है मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. We do have the Cancer, Pisces, Scorpio, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio यहाँ पे है. Aquarius, कुंभ राशि यहाँ पे है. Okay, Cancer, Pisces, Scorpio, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं. I told you the number 66, the number 17, that is 8. So 8888 आप देख सकते हैं, 6677 आप देख सकते हैं, as well as 10 and 01. Okay, तो शुरुआत किया जा सकता है इस तरह से कि आपके ज़िंदगी में unexpected क्या हो सकता है. जैसे मैंने आपको कहा, उसी तरह से यहाँ पे वो reflect हो ही रहा है. जैसे 7 of cups के नीचे है with the star. राइट, सो हम लोग को पता है कि हम लोग का जो ख्वाहिश है वो लिमिटेड नहीं होता है, वो अनलिमिटेड ख्वाहिशें होता है. किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके ख्वाहिश इस तरह से है कि आप पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा करें, उसके बाद आप कोई अच्छा सा आपके प्लेसमेंट हो जाए, उसके बाद आपका शादी हो, फिर आपके सेटलमेंट हो जाए, आपको अच्छा नौकरी मिले, सब कुछ. ठीक है, एंड यू आर ड्रीमिंग ऑफ दैट. आप बहुत ज़्यादा अधिक अधिक सपने देख रहे हैं, एंड दैट ड्रीम इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी. एक हकीकत में ही वो होने वाला है, ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ रियल आइडेंटिटी. मतलब आप अपने ही पहचान बना रहे हो, लोगों के सामने आपकी पहचान जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहे हैं. लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लोग आपकी आइडियाज को अपना रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं. सो यही है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो सही समय पे तो हो जाएगा, बट वो हुआ. कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ, इफ़ यू आर अ वुमन, राइट, आपको काफ़ी ज़्यादा मिसकैरेज इश्यूज था, या इस तरह से था कि आपको बहुत ज़्यादा ताना सुनाते थे आपके ससुराल वाले या कोई और. ठीक है, कि यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर मेनी इयर्स. हो सकता है कि आप शादीशुदा थे बहुत सालों से, लेकिन आपका बच्चा नहीं हो रहा था बोल के आपको बहुत कुछ सुनाया जा रहा था. या आपके पार्टनर को भी हो सकता है, अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो. सो उस चीज़ों से, ठीक है, प्रॉपरली उस तकलीफ से आज़ाद हो जाना, एक राहत मिल जाना, आई डू फाइंड लाइक दैट. यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट
किसी को आप जानते थे, पहचानते थे बहुत सालों पहले, लेकिन उनसे उनके साथ आप बिछड़ गए, या आपके साथ उनका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, ठीक है, उनके साथ आपका फिर से एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी योर पास्ट लाइफ पार्टनर इज कमिंग टू योर लाइफ। और जब मैं आज प्रेडिक्शन करने के लिए बैठी, उससे पहले मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट मिला कि डेजा वू, ठीक है, और ये डेजा वू अचानक मुझे दिखा एक ईमेल पे। सो डेजा वू इज लाइक दैट कि आप पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ टाइम्स में, अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप विश्वास करोगे तो ही आप ज़्यादा सीखोगे, अगर आप नॉन बिलीवर होंगे तो नहीं सीख पाओगे। तो ध्यान से सुनना गाइस, पास्ट लाइफ टाइम्स, बहुत सारे लाइफ टाइम्स में अपने अपना घर जो है आप बनाए थे एक साथ, राइट, मतलब यू हैड लिव्ड विथ ईच अदर फॉर लाइफ टाइम्स, एंड नाउ देर इज़ द टाइम, विद इन वन मंथ हो सकता है, वन वीक हो सकता है, ठीक है, वन डे भी हो सकता है, 24 आवर्स, दैट यू आर गोइंग टू हैव अ कॉन्टैक्ट अगेन विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं से आपकी कॉन्टैक्ट फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो प्रॉपर्टीज है, किसी और के पास था, ठीक है, और वो लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आप बाहर रहते हो, आप अपने फैमिली के साथ बाहर रहते हो, आपकी पुश्तैनी जो भी घर है, जमीन जायदाद है, उसको बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, और आपको उस जमीन जायदाद से बेदखल करने के लिए वो आपके पेरेंट्स को या आपके दादाजी, आपके नाना को, जो भी है, उनको भड़का रहे थे। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर, नो लॉन्गर। आपको इक्वल प्रॉपर्टी शेयर, आपको इक्वालिटी डेफिनेटली मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। जो आपका हक है, उस हक से आपको कोई भी एकदम बिल्कुल डिटैच नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स अगर आप फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप ही की जीत होने का 100% संभावना है, अगर वो लोग आपको ठग रहे हैं तो, ठीक है, अगर आप चाहे तो उनके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा से अपने जीवन को बिताए, क्योंकि आपके पीछे बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कंपिटिटर्स हो सकते हैं, ठीक है, और आपके पीछे गलत शब्द यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, आपको कुछ भी सुनाते हैं और आपके सामने आ जाते हैं, बट यू विल स्टैंड फॉर योर ओन राइट्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो, आपकी चोटी कोई खींच रहा है, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ होता ही है, अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा, जिनको आप इतना दिन से ट्रस्ट कर रहे थे ब्लाइंडली, उन्होंने जैसे आपको सही मौके आने पर बिल्कुल साथ नहीं दिया, वहाँ पे उनका जो एक जैसे बोला जाता है ना कि बेईमान जिसको बोला जाता है, ठीक है, सो उसी का आपको एक झलक दिखने के लिए मिल भी सकता है, दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग यू। व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, क्यों वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो आप तो आगे बढ़ोगे ना। ये जेलसी, ये हिपोक्रेसी, ये सब कुछ चीज चलेगा, ठीक है, ये दिखावा, ये एकदम फैंटेसी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे शो ऑफ करना, ठीक है, ऐसा बोलना कि तू जो भी काम करेगी मैं तेरे साथ हूँ, उस तरह से ये चीज़, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था, ठीक है। एंड अगर आपने कर लिया और अगर आपने अभी तक नहीं जाना है टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, तो अभी से आप सीखो। कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे ही होंगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यू हैव टू लीव द सिचुएशन, आपको वहाँ से आज़ाद होना ही पड़ेगा, आप वहाँ से चले ही जाओगे, बिकॉज वो सिचुएशन आपके लिए और बिल्कुल नहीं है। वो अननेसरी हो सकता है, कोई आपको डिले करवा रहा है, कोई आपको ऐसा झांसे में मतलब फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या देना ही नहीं चाहते, लेकिन घुमा रहे हैं आपको। मैं हमेशा सच के ऊपर बोल देती हूँ ना, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें है कि कड़वा लगता हो, लेकिन अभी कड़वा लगे तो सही है, बाद में कड़वा लगे तो सही नहीं। जो अच्छा होगा मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो यहाँ पे मुझे गड़बड़ दिखेगा मैं वही बताऊँगी, राइट गाइस, ताकि आपका भलाई हो, राइट, मेरा भलाई नहीं, आपका भलाई हो। यहाँ पे जो चीज़ जो मुझे दिख रहा है, सपोज आप एक
कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में क्या सारे आप एक कंपनी के होके जा रहे हैं, सपोज एक्स कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वाई एंड जेड कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हो? आसानी से भाषा में मैं समझा रही हूँ आपको। वाई एंड जेड कंपनी कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है, आपकी जो लेक्चर है या आप जो बोलने वाले हैं वो सही हो, ठीक है? वो आपको गलत प्रमाण करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका कंपनी को उनको हायर में दिखाना है, अच्छा दिखाना है। कभी भी दो कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं कभी भी एक साथ नहीं बात करते, कभी भी वो नहीं बोलते कि दूसरे वाले से ले लीजिए, ऐसा वो बोलेंगे नहीं ना। वो तो हमारी चॉइस होता है कि हम ले लेते हैं, राइट? वी ऑलवेज सिलेक्ट कंपनीज, कंपनीज डोंट से यस दैट यू सिलेक्ट दिस यू सिलेक्ट दैट, हम लोग सिलेक्ट कर ही लेते हैं, बट कंपनीज एक दूसरे के लिए कभी नहीं बोलेंगे कि आप वहां से ले लो, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ कोलैबोरेशन, जब तक कोलैबोरेशन ना हो। समझ में आया? सो यहाँ पे कभी भी कंपटीटर्स एक दूसरे के लिए नहीं बोलेंगे आपको, कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग एक ही ग्रुप से है, हम लोग एक ही कम्युनिटी से है, तो वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है? नहीं देगा, क्योंकि पर्सनल जेलेसी भी कुछ चीजें होती है। सो अनएक्सपेक्टेड वही है, जिनको आपने खाना खिलाया, जिनको अपने घर में लेके आए, एंटरटेन किए, अपने ही घर वाले हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, वो आपको बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं कर पाते, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, और वहाँ से उस सिचुएशन से आपको अलविदा करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी मोर। एंड आई टू फाइंड कि इतना हेट्रेड, जैसे मुझे लग रहा है कि सब कुछ जैसे इम्बैलेंस होता जा रहा है, आप अपने आप को इस उलझन में खो मत देना, ठीक है? बट आई कैन सी दैट यू आर स्टैंडिंग टॉल, यहाँ पे तीनों जो है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, टू पीपल आर लाइक प्रोटेस्टिंग बट यू आर स्टैंडिंग टॉल, नहीं ये मेरा हक का है, मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, ये कभी नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? सो आई डू थिंक सो, शायद आप एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो, या आप लोगों के लिए काम करते हो, या आप एनजीओ ऑपरेट करते हो, तो इस दौरान हो सकता है एक न्यू बिजनेस आइडिया आपके लिए आ सकता है, एक नया पन्ना आपके लिए ऑफ कोर्स शुरुआत हो सकता है। कुछ लोग ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, बट मुझे दिख रहा है ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, ओके, और अच्छा डील और कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे। विद द टेम्परेंस कार्ड ओवरऑल आई कैन फाइंड लाइक दैट कि जो भी इम्बैलेंस पोजिशन में था, ठीक है, वो डेफिनेटली बैलेंस होगा, ऑफकोर्स होना ही है, शुगर एंड सॉल्ट विल डेफिनेटली डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, जो चीनी है और जो नमक है वो पानी में घुल ही जाएगा, डोंट वरी। सो आपकी जो पॉजिटिव साइड है उसको, उसके ऊपर आप फोकस करें, ना कि नेगेटिव साइड के ऊपर। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है दूर से कुछ कम्युनिकेशन आपके लिए आ सकता है, हड़बड़ी हो सकती है कि उस जगह पे आपको तुरंत जाना पड़ेगा, या उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मे बी आपको अपना लैपटॉप लेके बैठ जाना पड़े, विद इन यू कैन से लाइक यस इट कैन बी लाइक 5 to 6 hours के अंदर, जब आप इस रीडिंग को देखोगे तुरंत आपको लैपटॉप में कुछ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ यहाँ से हम देखते हैं इस ओरेकल कार्ड्स को, मैं बहुत दिन के बाद यूज कर रही हूँ, ओके, अराउंड वन ईयर आई एम यूजिंग, ओके। सो लेट मी सी, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस, लक आप ही के साइड पे है, ठीक है, आपके आपका टारगेट जो है वो फुलफिल होगा, ठीक है, और वो कोई न्यू मून के दिन भी हो सकता है, लूनर इक्लिप्स के दिन भी हो सकता है, ग्रहण के दिन भी हो सकता है। कंक्लूशन सर विद इन रेंज, जो आप नतीजे में पहुंच नहीं पा रहे थे वो आसानी से आप पहुंच पाओगे, आपको लग रहा था कि आप कभी नहीं पहुंचोगे, बट यस यू कैन रीच। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, यस न्यू मून में तो डेफिनेटली, न्यू मून फुल मून न्यू मून, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके लिए बहुत बेहद खुशखबरी ऑफकोर्स होगा, और उसको आप इंजॉय भी करोगे। यस हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून, यहाँ पे
न्यू मून टू फुल मून के बीच में या फुल मून टू न्यू मून के बीच में जो वक्त बीतेगा, हो सकता है कि आपको अपने भरोसा, अपने ऊपर आपका भरोसा ना रहे, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं भरोसा रखिए, सब कुछ चीज बराबर होगा। ओके, द हाई प्रिस्टेस ऑफ द आईसिस कार्ड। हाई प्रिस्टेस कार्ड ऑफ कोर्स होता है डार्क सीक्रेट्स का, इनसाइड मिस्ट्री का, बहुत ज्यादा रहस्यमय होता है, बहुत ज्यादा सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर नहीं आने चाहिए, लेकिन वो जितना बाहर आ जाए उतना ही अच्छा है। सो हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हो जो बाहर आना नहीं चाहता था, लेकिन ऑटोमेटिक वो बाहर आ जा सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगा। बर्निंग बुश और द लीनियज ट्री 34 नंबर, दिस इज एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा, जहाँ पे उनको निर्वाणा मिला था उस पेड़ के नीचे, बट द कलर इज शोइंग इट्स लाइक दैट। यहाँ पे तभी जाके मैंने आपको यही कहा कि एनलाइटनमेंट, यू आर गोइंग टू गेट एनलाइटेंड, बहुत ज़्यादा नॉलेज विजडम आपको 100% मिलेगा किसी भी फील्ड पे, ठीक है। आप अगर कुछ जगह पे एक्सपर्ट होना चाहते थे, आप अगर उस स्किल को लर्न करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, जैसे डांस फॉर्म्स है, डिफरेंट डांस फॉर्म्स आर देयर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक आर देयर, राइट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट आर देयर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइंस फील्ड इज देयर, राइट। सो एक एक फील्ड अलग अलग कुछ कहता है। सो कोई भी फील्ड में अगर आप मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो या एक्सपर्ट आप बनना चाहते हैं, मास्टर डिग्री का बात नहीं कर रहे, स्पेशलिस्ट का बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे वो चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा क्योंकि आपका स्कोर्स काफ़ी अच्छा रहेगा। कैसल्स इन द क्लाउड्स, अभी भी जो सपना आप देख रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स और यहाँ पे कैसल्स इन द क्लाउड, जो भी आपने सपना देखा है, ठीक है, उसको ग्राउंड रियलिटी में लेके आओ, ठीक है, और वो होके रहेगा। वेव ऑफ ब्लिस, यहाँ पे वेव ऑफ ब्लिस मतलब शांति की प्रतीक, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में, उथल पुथल तो मच गया था, लेकिन सब कुछ जैसे सही होने की मतलब पूरी तरह से शुरुआत में है। यू डोंट इमेजिन ओनली, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, आपके अंदर अगर नॉलेज है, आपके अंदर अगर समय है, तो समय रहते रहते उसको प्रयोग कर दो। आइडिया सिर्फ आपके मन में है, सिर्फ आना बाकी है, और आप समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा जो एक महल है, इसका आइडिया अगर आपके मन में है तो इसको आप जमीन पे लेके आओ, तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप जमीन पे लेके आ रहे हो। तो है इतना बड़ा एक्सपर्ट क्वालिटीज आपके अंदर है। यू आर मे बी यू आर ड्रीमिंग ऑफ अ लाइक दिस टाइप ऑफ अ हाउस, आप इस तरह के घर खरीदना चाहते हैं, स्पेशियस लग्जरी पूरी तरह से, उसमें हवा जाए, वेंटिलेटेड, तो इस तरह का अगर आपकी ख्वाहिश है, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद आप फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं ताकि कुछ लोग जो है उन वहाँ पे आके रोजगार स्टार्ट करें, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, साधारण लोग ही करते हैं, ठीक है, सिंपल पीपल ओनली डू दैट बिकॉज दे आर लाइक मैजिशियंस, ठीक है, उनके लिए उनको अलग सा शो ऑफ करना नहीं पड़ता, वो सिर्फ कर देते हैं। सो यू कैन सेट अप, समझ में आ रहा है ना, उस तरह से। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस देता है। लेट मी सी, सो वट कैन कम। ओके, टेस्टिंग योर कमिटमेंट्स, चेकिंग योर पेशेंस एंड लॉयल्टी। भगवान, यूनिवर्स, जो भी आप बोले, ब्रह्मांड जो भी बोले, वो आपकी धैर्य को परीक्षा कर रहे हैं। मतलब वो जैसे बोला जाता है ना, टीचर इज ऑलवेज साइलेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप फेलियर्स की शिकार हो रहे हैं, सो आप ये जान के रखें कि सक्सेस इज द नेक्स्ट वे। ओके, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बोल्ड, ब्रेव एंड करेजियस। आप मुझे यहाँ पे ऐसे ही हिम्मत वाले दिख रहे हैं, आप कहाँ छोड़ोगे लोगों को, उनका सबक आपको सिखाना ही पड़ेगा और आप सिखाओगे भी, बट नॉट बाय वायलेंस, बट बाय योर टैलेंट, बट बाय योर इंटेलिजेंस।
रैम। एरीज मेष राशि कुछ लोगों से, इसलिए ब्रेव, एरीज आर वेरी स्ट्रांग यू नो, दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो मिलिट्री सेक्टर्स में है या फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स में है या डिटेक्टिव है, तो उनका इस तरह से होता है राशि मेष। बिजनेस एक्सपेंशन अब्रॉड, ये हो सकता है आपका कि अचानक आपको एक आइडिया सूझे कि नहीं मुझे अभी फर्दर बिजनेस को बढ़ाना है या दूसरा कुछ हमें स्टार्ट करना है। आई वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप, देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पार्टनर शायद आपको कह सकते हैं। ओके, योर क्रश इन योर फ्रेंड सर्कल, हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं या आपके पर्सन, हो सकता है कि आपको कोई पसंद करता है और शायद वो फ्रेंड सर्कल में ही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वाओ, यस व्हाई नॉट, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जो स्टेजेस है उसको आप क्रॉस कर रहे हो। हॉर्स, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे आप अनएक्सपेक्टेड वे में, इस तरह से कुछ हो सकता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है सिमिलैरिटीज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6।